आज पूरे देश में गंगा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड में एकमात्र जिला साहेबगंज जहां गंगा नदी बहती है, उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। इस मौके पे लोगों ने साफ सफाई की और वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, साथ ही शपथ लिया कि हम गंगा को साफ और सुरक्षित रखेंगे। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम 2 नवंबर से 4 नवंबर तक चलेगा। साथ ही कहा कि वृक्षारोपण करते हैं, उसकी देखभाल भी करना हम लोगों को अति आवश्यक है। पेश है हमारे संवाददाता कन्हैया कुमार। कुछ और नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक हैं, उसी स्वरूप को मानते हुए रांची जिला बताया गया 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में गंगा उत्सव 2 से लेकर 4 नवंबर तक मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम की रूपरेखा रखी है, विभिन्न कार्यक्रम है जिसका ये पहला आगाज आज हमने किया है और आगे 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलते हैं। हम देखते हैं एक बार, हो सकता है कि पानी जब बढ़ता है तो उसकी वजह से वो नष्ट हो गया होगा या कोई जानवर की वजह से, कोई जैसे हम लोग का पशु करता रहता है वो उसमें हो गया होगा। इस बार हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो गाछ लगाया जाए वो सुरक्षित। इस कार्यक्रम के साथ जिलेवासियों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर, गंगा प्रेमियों को? मैं जितने भी मेरे साहिबगंज जिले के वासी हैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और गंगा को स्वच्छ रखने में प्रशासन की मदद करें, क्योंकि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जैसा कि अभी कहा जा रहा था, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक प्रशासन का जो प्रयास है वो सफल नहीं हो पाएगा और जो हम एक प्रण लेते हैं गंगा को स्वच्छ रखने का वो हमारा प्रण पूरा नहीं होगा। तो